तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग ड्यूटी के लिए निकले हैं और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रुके हैं, तो यहाँ पे खुकड़ी मिल गया है। ड्यूटी साइट पे पहुँचना है, थोड़ी देर पहुँचेंगे आराम से। सोचे थोड़ा सा जंगल में घूम लिया जाए, तो मज़ा आ रहा है। आप लोग भी ब्लॉग पे ऐसे ही बने रहिए। और माया उधर है, रंजीत उधर है और सर उस साइड गए हैं, शिव इस साइड में। और हम लोगों को अभी फिलहाल में एक आयुर्वेदिक ड्रग पहले मिला था, चोपचीनी, और अभी फिलहाल हम लोग खुकड़ी की तलाश में। खुकड़ी वैसे हमको पसंद नहीं है, बाकी सब स्टाफ को पसंद है। हाँ नहीं, मस्त लगता है ना ये। उधर है माया, इधर है। हाँ बना है, क्या क्या फायदा है सर इसका बताइए। इसका जो है ये दांतों के बीच में गैप जो रहता है वो क्लिप हो जाता है, और मसूड़ों के लिए ठीक है, पेन किलर का काम भी करता है। ठीक, इससे ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ, इससे ज्यादा इफेक्टिव, सही वाले से ये 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्या नाम है सर उसका? चोपचीनी। महुए का दांतों भी गैप भरने काम आता है वो, तो ये सरई जो है सर्व सुलभ होता है ना, इसलिए जो है ये जल्दी उसको तोड़ लेते हैं। इसका पत्ते को बकरी बहुत खाते हैं, लेकिन इसको जो है सावधानी से तोड़े, नहीं तो कांटे ऐसे रहते हैं इसको भी। हाँ, कांटा जैसे कांटा तो है सर। उसी का पिछली बार जो सूख गया था, इसी बार हम फेंक दिए सर। ऐसा कितना मतलब यूज करना है सर? जैसे इतना ये यूज कर लिए, इसको ब्रश बनाए, इसको घिसे, इससे जितना काम आ गया, फिर यहाँ से तोड़ के उसको फेंक दिया आज वाले, कल फिर नया वाला चालू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पूरा पूरा डंडा एक साथ फेंक दिए। ठीक है सर। हाँ, ऐसे इसको फेंकना नहीं। ठीक ठीक, सिटी में बहुत महंगा मिलता है, लो कांटा चुपके तरफ डाल रखा है। सिटी में कितने में मिल जाता होगा सर ये? सिटी में हाँ। ये तो एक दांत कम से कम जो है 50 रुपए का। अच्छा, देखो दोस्तों, आप देख सकते हो खुखड़ी निकला है यहाँ से, खुदाई पूरा यहाँ पे किया गया है। अब रुको, देखते हैं निकाल लिए हैं। टूट गया, चलो ठीक तो है। ये देखिए निकाले हुए हैं ये, वहाँ से निकाल लिए हैं। निकाल लिए, ये देखिए इतना सारा है। इसमें ना बहुत आएगा, कल देखिए इसमें आएगा पानी के तो और भी निकल रहा है। अरे ये तो बहुत है, इसमें तब पूरा देखिए कुछ दिए हैं अभी। अरे मैं उसी पे खड़ा हो गया लगता है, मैं इधर देखा हूँ कहाँ पर से ऐसे निकलता है, कहाँ पर देखा? यहीं पे कितना निकल जा रहा है माया, यहाँ पे होगा नीचे दब गया, बहुत होगा इसी में। क्यों वो देखो, वही मैडम रुकिए, मैं देख गया, ये देखिए मिट्टी में छुपा है, टूट गया ऐसे ही, मतलब मिट्टी के अंदर रहता है ये गया। मिट्टी के अंदर अंदर रहता है। हाँ, कोडिंग है ये, कितना लंबा लंबा निकलता है ना, दिमाग से ही निकल। हम लोग को भी तो देखना चाहिए ना कहीं पे ये। अरे ये रहा, ये रहा, ये आ रहा है सर। हाँ वहाँ पे है, वहाँ पे निकालिए सर, लगा तो देखिए सर, बहुत निकल रहा है। करने में कहा जाता है माया, रुकिए रुकिए, हम लोग को तो दिखेगा ही नहीं, हम लोग का नजर तेज नहीं है इसके लिए। निकला सर, एक ही है, ट्राई करने में कहा जाता है। सर की साइड है, सर का नजर। हाँ वहाँ पे निकल रहा है, तोड़ तोड़ के फेंक रहा है, उसी का तो है ये। इसको खोद, ज्यादा मत खोदना, थोड़ा सा ले, थोड़ा सा हल्का हल्का ये ऐसे निकलेगा। वो तो मिट्टी के बस छू रहा है, ये देखो वो देखो, हाँ वो मिला, एक और है सर। ये देख, हाँ कितना मस्त, सर की नजर तेज है ना, इसलिए सर को मिल रहा है, बहुत ज्यादा उड़ जाता है ना। आप कहे के लिए वो कर रहे हैं, निकालिए, निकाल दिया तू।
फिर तोड़ दिया मिट्टी खींचने में इधर ये लंबा ले लीजिएगा, मैं नहीं रखूंगी। अरे मैं मतलब नहीं है। मैं ये रहा। अरे अरे ये क्या लड़ाई हो रहा है यहाँ पे। दो हो गया माया, टूट गया ना खोदो माया आराम से माया आराम से। अब इनको मिल नहीं रहा तो ये इधर आ रहे हैं। नहीं धीरे धीरे नहीं टूट ये रहा, नहीं निकलता है मेरे से। हाँ अभी निकालिए, टूट जा रहा है वो भी। पुराने जमाने में भी ऐसे यूज होता होगा सर, ऐसे करके निकाल के बना के खाते होंगे। हाँ तो का सबसे ज्यादा वाले आँख वाले डॉक्टर को मिला है और सबसे ज्यादा दिवाकर सर कंपटीशन में। अरे चलिए कहाँ गए हैं आप लोग। आज के कंपटीशन में सबसे ज्यादा खुकड़ी पाने वाले और दोनों जो है उधर अभी यहाँ पे जो सर हैं, सर के पास ही सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ है कुकड़ी का। बाकी अभी रंजीत उधर जा रहे हैं उस साइड। बहुत ज्यादा मच्छर भी है यहाँ पे, पूरा जंगल है। तो सबसे ज्यादा हमारे सर कलेक्शन किए हैं कुकड़ी का, देख सकते हैं आप लोग, देखिए। आज ये कुकड़ी स्पेशल ब्लॉग, नेचुरल प्रोटीन सर, इसके बारे में कुछ आप और बोलना चाहेंगे? हाई प्रोटीन, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा, एनर्जी ड्रिंक के लिए बहुत अच्छा। आजकल एमबी जो प्रोटीन प्रोटीन जो देती है इसमें इसका मिक्स रहता है। अच्छा, मात्र 8-10% ठीक है, केवल 8-10%। अच्छा, इतना महंगा मिलता है, 110 रुपए का, 120 रुपए का 100 ml मिलता है। अच्छा, उसमें केवल इसका 10% होता है। ठीक है सर, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। रंजीत कहाँ पे हैं आप? यहाँ से ले गया कोई, देख रहे हो, यहाँ से खुदाई किया गया है और यहाँ से लेके निकाल लिया गया कुकड़ी को। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत तो एडवेंचर से भरा रहा है, मजा आ रहा है, एकदम फुल इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को भी कुकड़ी अपने डाइट में ऐड करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन विटामिन होता है। आज तो एकदम नेचुरल ब्लॉग हो जा रहा है, नेचुरल वाला आयुर्वेदिक ब्लॉग। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप, भोलेनाथ जी का मस्त मूर्ति यहाँ पे लगा हुआ, बहुत सुंदर मूर्ति है। और नदी का बहाव भी तेज हो गया है अभी। मस्त है ना, कितना अच्छा बनाया है यहाँ पे, नहीं मस्त लाया हमारी। लाया भी था तो पहले छूट गया।
जैसा कि दोस्तों हम लोग ड्यूटी वाली साइड पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग का जो ये एम्बुलेंस ये लगा हुआ है, इस साइड आप देख रहे हो पूरा बाजार है पूरा इधर, और इधर हमारे सर बैठे हुए हैं। बाकी यहाँ पास का जो एरिया है पूरा दांत काटने के चक्कर में पूरा कैंची का आत्मा बाहर निकल गया नहीं मैं गिर गया ना यार, इससे ज्यादा लगा नहीं, पहले यहाँ पे लगा इसमें लगा रुके तो पहले चिपका पाओगे कि नहीं चिपका पाओगे अभी देख लिया। अब इसको ऊपर से यहाँ पे डालो डालो ना इसके चारों साइड, इसमें इसमें डालो है ही नहीं, इसमें खत्म हो गया, तोड़े तो आप हम तो तोड़े ही नहीं है दिखे नहीं रहा सिरप दे रहे हैं उसको पिलाइएगा इधर आइए। आपका नाम लिखा दिए हैं, दर्द निवारक इसको सुबह शाम खाइएगा। इनको सिरप दे दीजिए ना, पैरासिटामोल पैरासिटामोल और सिटैक्सिन दे दीजिए। ये लीजिए एक एक चम्मच ना, 5-5 ml सुबह शाम। नाम उधर लिखवाइए हो इसको, ये जो ढक्कन सफेद वाला है ना इसमें ये लाइन दिख रहा है ना इतने देना। वो भारी सामान उठाए थे कई वाले हाथ से, जवानी पाना है ना, चोट वोट तो नहीं लगा था। सीधा हो जाइए सीधा हो जाइए, बैठिए यहाँ पे, चोट तो नहीं लगा था, चोट नहीं लगा है। इनको डाइक्लो जेल दीजिए तो ब्रूफेन को, इसके अलावा कुछ दिएगा डाइक्लो जेल और ब्रूफेन दीजिए। स्केपुला में इनके दर्द हो रहा है, ब्रूफेन भी दे दीजिए, ब्रूफेन टैबलेट उसको मालिश करना है आराम से, रगड़ेगा नहीं ज्यादा ठीक, और गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के सेकिएगा। किसको सुई लगा है, बच्चे को? हाँ, बच्चे। कब से आ रहा है बुखार? कल बुखार रही से रहा है, रात शाम के रही से, आज फिर दोपहर के रही से बुखार। सुई कब लगवाए थे का? नहीं लगवाए। कितना दिन हुआ है? कितना दिन हुआ है आए हुए बुखार? सिरप सिरप पिलाई ना वहाँ, सुई मत लगवाई अभी, 2-3 दिन पिला के देख लीजिए फिर लगवाई। उम्र कितना है? 3200। खुजली है यहाँ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बुझ जाता है तो खुजलाता है। नमस्कार, कहाँ हो गया? इनको बीपी का टैबलेट दे दीजिएगा ना रंजीत। दो बार खिलाए थे इससे भी। उनको कौन सा टैबलेट खाती पूछ के दे दीजिएगा, नॉर्मल है उससे हाई ले लिए? पानी नहीं, पेशाब ठीक से हो रहा है? पेशाब तो, शुगर तो नहीं? शुगर तो नहीं, बैठिए उधर। ऐसे ऐसे करके सेकना है पूरा, देख रहे हैं ना पूरा सेकना है, उसके बाद थोड़ा देर के बाद ये वाला जो क्रीम है इसको लगाना है, ये जो पाउडर है आपका इसको रात को दूध के साथ, या दूध नहीं हो तो पानी के साथ एक पैकेट ठीक डाल के, ये दर्द के लिए है इसको सुबह शाम ठीक। ये बीपी का है इस, हाँ इसको सुबह एक गोली खाइएगा और फिर से एक बार बीपी चेक करवा लीजिएगा। पहले बीपी का गोली खाते थे? खाते थे, इसको खाना है एक ही गोली ठीक। छोटा वाला खाते थे क्या? हाँ, छोटा वाला, वो असर नहीं कर रहा लगता है। और ये है गैस के लिए, इसको सुबह शाम खाली पेट ठीक, और उसके बाद फिर बताइएगा
वो जो पैर है उसको ऊपर करके सोना है और पैर के नीचे तकिया लगा के सोना है ओवर द पिलो, ठीक। बस इतना करना है, इतना में आप ठीक हो जाएंगे। बढ़िया बढ़िया, ये तो नया दुकान खोल लिया है। और पूरा मार्केट देख सकते हो दोस्तों, और यहाँ पे नया दुकान लग गया है, बिरयानी सेंटर। हाँ भाई बढ़िया बढ़िया, अच्छा तो है ना, बढ़िया बना रहे। अच्छा भीड़ भाड़ है मार्केट में एकदम मस्त, चलेगा सब चलेगा। यहाँ पे मैंने मकई ले लिया है दोस्तों, आज इसको भुना जाएगा और मस्त नमक मिर्ची लगा के खाया जाएगा। सूखा देखो, रंजीत ले लीजिए, अपने को भी नहीं आता। आपके लड़के होंगे ये, आपके पापा हैं। नमस्ते नमस्ते। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेडिकल कोर्स को लेके अगर कुछ डाउट्स हो तो डिस्क्रिप्शन पे इंस्टा का लिंक है, आप वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।